सुप्रभात बच्चों, आज हम आरोह भाग दो का काव्य खंड में जो है फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित रुबाइयां पाठ का भावार्थ समझेंगे। कवि फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय और उपनाम फिराक था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरू हुई। तत्पश्चात इन्होंने अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, लेकिन देशभक्ति की भावना और स्वराज आंदोलन के प्रभाव में आकर अपना पद छोड़ दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे ये शायरी, उर्दू गज़ल गोई आदि हैं। प्रमुख जो यह पाठ है यहाँ पर रुबाइयाँ, प्रस्तुत रुबाई हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित रुबाइयाँ शीर्षक। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर शायर गोरखपुरी ने एक माँ के अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसका बड़ा मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। अपने आंगन में अपने बच्चे को लेकर के, अर्थात चांद के टुकड़े से कल्पना की गई है, अपने जिगर के टुकड़े से, अपने बच्चे से। तो जो माँ है उसे बच्चे से मिलने वाली खुशी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि माँ अपने आंगन में चांद के टुकड़े के समान बच्चे को लिए हुए खड़ी है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, वह अपने हाथों में उसे झुलाती है, कभी उसे अपनी गोद में लेती है, रह रह करके, रुक रुक करके बार में हवा में जो लोका लेती है, और कभी कभी वह उसे हवा में उछाल देती है, और उछाल करके गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और जैसे ही माँ अपने बच्चे को ऊपर उछालती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। यहाँ पर कवि के द्वारा वात्सल्य रस का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। लोका देना और गोद भरना जैसे लोक प्रचलित शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। यहाँ पर प्रसिद्ध शायर ने माँ के वात्सल्य भाव से परिपूर्ण अनेक बाल सुलभ क्रियाओं को देख करके माँ जब प्रसन्न होती है तो उसका चित्रण किया है। एक माँ बच्चे से संबंधित प्रत्येक कार्य को जो है बड़ी प्रसन्नता से करती है। तो बच्चे को जब माँ साफ और स्वच्छ जल में स्नान करवाकर उसके उलझे हुए गेसुओं अर्थात बालों में कंघी करके बड़े प्यार से उसके मुंह की ओर बार बार देखती है तो उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। उसे घुटनों में पकड़ के जब वह सहारा देकर के उसे कपड़े पहनाती है तो उस समय माँ बच्चा बड़ी प्रसन्नता से माँ की ओर देखता है और माँ की ममता अपने बच्चे पर उमड़ पड़ती है, बच्चे के प्रति उसका प्यार और बढ़ जाता है। यहाँ पर भी शायर ने जो है वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण किया है। छलके छलके शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। छलके छलके यहाँ पर दो बार आया इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी ने इस रुबाई में दिवाली के परंपरागत त्योहार और उसमें उल्लास का सहज चित्रण किया है। शायर कहते हैं कि दिवाली की शाम को सभी घर साफ और स्वच्छ हुए हैं, लिपाई पुताई करके सुंदर लग रहे हैं, सभी अपने घरों को सजाने में लगे हैं। उसी समय चीनी के मीठे खिलौने और जगमगाने वाले खिलौनों की भरमार है। चीनी के खिलौने भी जगमगा रहे हैं, चारों ओर खुशी भरा माहौल है, वातावरण है। ऐसे
वातावरण में बच्चों के बनाए हुए मिट्टी के घरों में भी दिए जलाकर उन्हें प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। बच्चे के घरों में अर्थात बच्चों के द्वारा जो बनाए गए जो घर हैं उन्हें भी प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाश के इस उत्सव पर्व में सुंदर स्त्रियों के चेहरों पर एक कोमल और चमक आना एक स्वाभाविक है। दिए की लौ चेहरे पर पड़ने से उनके चेहरे की लालिमा और अधिक बढ़ गई है। यहाँ पर शायर ने भारतीय त्योहार, प्रसिद्ध जो त्योहार है दीपावली, उसका चित्रण किया है। आगे, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे लल छाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में बच्चा जो जिद कर रहा है उसकी जिद को पूरा करने के लिए एक माँ के द्वारा चांद को आईने में उतारने का वर्णन किया गया है। बाल हट हमारे लिए कोई नवीन विषय नहीं है। अब जब बच्चा आंगन में खेल रहा है, ठुनक रहा है अर्थात रो रहा है, जिद कर रहा है और माँ से कह रहा है कि वो जो आकाश में जो चांद दिखाई दे रहा है तुम वह ला करके मुझे दो, तो माँ कहती है बच्चा चांद रूपी इस खिलौने को लेने के लिए जब लालायित है तो माँ इस बाल हट के सामने विवश है और उसे वह अपने गोद में उठा करके कहती है कि देख, दर्पण को सामने दे करके कहती है देख आईने में चांद उतर आया है कि ले मेरे लाल, मैं तेरे लिए यह चांद रूपी खिलौना लेकर के आ गई हूँ, अब तू इससे खेल सकता है। यहाँ पर कवि ने जो है हमें सूरदास की याद दिला दी है। सूरदास ने जब कृष्ण का वात्सल्य वर्णन किया है तो उस समय भी वर्णन आता है, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, जय हूँ धरती पर वही तेरी गोद न आय हूँ। उस समय कृष्ण जो है हट करते हैं अपनी माँ यशोदा से कि मुझे जो है चांद का खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर ठुनकना, जिदाना और ललचाना बाल हट के ही लक्षण हैं। यहाँ पर जो ठुनकना शब्द है, जिदाना शब्द है, ललचाना शब्द है, वे बाल हट के ही लक्षण हैं। वात्सल्य रस का बड़ा अनुपम चित्रण यहाँ पर शायर के द्वारा किया गया है। चांद का आईने में उतरना भी एक सुंदर शब्द चित्र है। आगे, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार हम सभी मनाते हैं। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है प्रायः वर्षा ऋतु श्रावण मास में ही आता है और उस श्रावण मास में कभी कभी यदा कदा चारों तरफ जो है आसमान में जो बादल गरजते हैं, बारिश भी होती है, तो उस समय की तुलना जो है कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार से की है। तो कवि कहता है जैसे आसमान में घटाएं धीरे धीरे करके छा जाती हैं, उसी प्रकार भाई बहन के प्यार में भी सारा वातावरण रसमय और प्रेममय हो जाता है। भाई के हाथ पर जब बहन के द्वारा राखी की लड़ियां पहना दी जाती हैं तो वह उसी प्रकार चमकती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बादलों के बीच से गड़गड़ाती हुई बिजली चमकती है। तो राखी के गुच्छों की चमक बहन के लिए किसी उत्साह से कम नहीं होती है। राखी के गुच्छों की चमक बहन के जीवन को प्रकाशित करने का चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप का भी वर्णन शायर ने यहाँ पर किया है। हल्की हल्की में, हल्की हल्की में, यहाँ पर जो शब्द दोबारा आए हैं, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। राखी और बिजली की तुलना में उपमा अलंकार है, क्योंकि राखी की जो चमक है और बिजली की जो चमक है उसकी तुलना कवि ने यहाँ पर समान भाव से की है। भाषा सरल, सहज और प्रधानमय है। अब हम इन्हीं का अगला जो शीर्षक है गजल, उसका भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसिद्ध शायर ने जो है गोरखपुरी जी ने इन पंक्तियों में प्रकृति के आलम्बन स्वरूप अर्थात बसंत ऋतु के ऋतु का वर्णन किया है। शायर कहते हैं नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। शायर कहते हैं
कि प्रकृति के नौ रसों के प्रभाव के कारण पेड़ पौधों की कलियों की पंखुड़ियां अपनी कोमल गांठों को खोलने लगी हैं, अर्थात सभी कलियां पुष्प बनकर के विकसित होने को तैयार हैं। बाग की सभी कलियां फूल बन जाने के बाद फूलों के रंग और खुशबू भी चारों तरफ फैलाने के लिए पंख खोलने में लगे हुए हैं, अर्थात लोक प्रचलित बोली में बसंत ऋतु में सुहावने मौसम को नौरस भी कहा जाता है। सुहावने मौसम जो होता है उसे नौरस भी कहा जाता है, बसंत ऋतु को क्योंकि ऋतुराज भी कहा जाता है। इस ऋतु में सभी पेड़ पौधों पर नए पत्ते फूल आने से वातावरण में रंगों और खुशबुओं से भर जाता है, प्रकृति में नए रस का संचार हो जाता है। यहाँ पर शायर के द्वारा नौरस शब्द का अर्थ नया रस अर्थात नौ रसों से बना लेने में जो है श्लेष अलंकार के भी हमें दर्शन होते हैं, श्लेष अलंकार भी हमें दिखाई देता है। अगली गजल में पहुंचते हैं। तारे आंखें झबकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर कहते हैं कि रात्रि का मौसम है, रात्रि का समय है और इस समय प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। जर्रा जर्रा का है कण कण, चारों तरफ शांति है, चारों ओर खामोशी है और ऐसे सन्नाटे में केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही है। तारे आंखें झबकावे हैं, तारों का टिमटिमाना, तारों की टिमटिमाहट सुनाई दे रही है और उन तारों की टिमटिमाहट से ही क्या होता है कि तुम भी सुनो हो यारो, हे मेरे साथियों तुम भी सुनो, अर्थात मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ कि सब में सन्नाटे बोले हैं। सब कहा गया है रात्रि के लिए सन्नाटा, अर्थात जो रात्रि का जो सुनसान है। प्रकृति किसी भी समय शिथिल और गतिहीन नहीं होती है, वह हमेशा गतिमान रहती है, प्रकृति हमेशा गतिमान रहती है। शायर ने यही संबोधित किया है कि मित्रों रात के इस सन्नाटे में हमें तारों की तरह टिमटिमाना चाहिए, अर्थात हमें विपरीत परिस्थितियों में भी कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए बल्कि धैर्य के साथ अपने कर्तव्य पथ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवि ने जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पूरे पद में मानवीकरण अलंकार की अद्भुत छटा है और हिंदी और उर्दू के मिश्रित शब्दों का प्रयोग शायर ने बड़ी सटीकता के साथ यहाँ पर किया है। अगली गजल। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। इन पंक्तियों में शायर ने भाग्य और व्यक्ति के पुरुषार्थ में समन्वय दिखाने का जो प्रयास किया है वह अपने आप में बड़ा अद्भुत है। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि हमें और हमारी किस्मत, हमारे भाग्य को एक दूसरे पर रोने का ही काम मिला है। कहा यह जाता है कि भाग्य व्यक्ति के पुरुषार्थ से ही बनता है, व्यक्ति भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, अर्थात ऐसे ही व्यक्ति जो व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दें वे भाग्य पर रोते हैं, मुझे बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है, कर्महीन व्यक्ति यह सोचकर मुझे जो कुछ मिलेगा वह मेरे कर्मों से ही भाग्य से ही मिलेगा बैठे रहता है, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल देता है। क्योंकि संस्कृत में भी एक जगह कहा गया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सिप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि जिस प्रकार जो शेर जो है वो जंगल का राजा होता है लेकिन मृग उसके मुख में जो है स्वयं प्रविष्ट नहीं होता कि तुझे भूख लगी है जंगल के राजा, मैं तेरे भोजन बनने को तैयार हूँ। बन के राजा शेर को भी जो है प्रयास करना पड़ता है। तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं। तो यहाँ पर शायर ने कर्महीनता को छोड़ने का संदेश अप्रत्यक्ष रूप में हम सभी को दिया है। भाषा सरल और भावानुरूप है। आगे, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इन पंक्तियों में शायर ने दूसरों की निंदा करने की जो कुप्रवृत्ति है उस पर करारा व्यंग्य किया है।
शायर कहते हैं कि जो लोग मेरी बदनामी करने में लगे हुए हैं, जो मेरी बुराइयों को दूसरों के सामने प्रकट करने में अपनी शक्ति को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं, मेरी उन्हें ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे जिससे वे सोच सके कि वे दूसरे की बुराई करके, चुगली करके अपनी छिपी हुई कुवृत्ति, वो अपने दुराचार को जो है प्रकट कर रहे हैं। व्यक्ति अपने अवगुण, अपनी कायरता और अपने अहम की तुष्टि के लिए ही दूसरों की निंदा जैसा घृणित कार्य करता है। अर्थात व्यक्ति समझता है कि मैं दूसरे का पर्दा खोल रहा हूँ, लेकिन वह ये नहीं समझता जब हम किसी पर दोषारोपण करते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होती है और शेष तीन उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। अर्थात हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक कमी उसमें है तो उस कमी के माध्यम से, उस हाथ के माध्यम से वो उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं कि तीन कमियां हमारे अंदर भी हैं। यहाँ पर शायर ने पर निंदा, जो एक सामाजिक अपराध है, उसे जाने अनजाने हम सभी करवाते हैं, उस पर व्यंग्य किया है। चुगली करने जैसी बुरी आदत से बचने की हमें सलाह दी है। पर्दा खोलना जो शब्द है, वो मुहावरे का प्रयोग भी यहाँ पर शायर ने बड़ी रोचकता के साथ किया है। पर्दा खोलना अर्थात किसी भी बात का रहस्योद्घाटन करना। आगे, ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इन पंक्तियों में शायर ने प्यार की कीमत अदा करने की बात कही है, क्योंकि प्यार एक अनमोल और अतुलनीय भावना है। यह किसी भी वस्तु से इसकी तुलना करना व्यर्थ है। शायर प्यार की कीमत अपनी बदनामी के रूप में पूरे विवेक के साथ कर रहा है। अपना प्यार प्राप्त करने के लिए शायर ने यदि समाज में बदनामी को का कष्ट भी उसे झेलना पड़े तो झेलने को तैयार है। वह अपने प्रियतम के प्यार को पाने के लिए, उसका सौदा करने के लिए दीवानापन, पागलपन की सीमा तक जाने को तैयार है। पागल प्रेम, इसीलिए कहा जाता है पागल प्रेमी। पागल प्रेमी ही समाज को, वह जो पागल प्रेमी है वह समाज की कभी भी कोई परवाह नहीं करता है। यहाँ पर शायर ने जो बदुरस्ती ये होशो हवास, बदुरस्ती ये होशो हवास, उर्दू का सुंदर प्रयोग शायर ने यहाँ पर किया है। दीवानापन प्रेम की चरम सीमा होती है, यह भी बताया है। आगे, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इन पंक्तियों में शायर ने कहा है कि प्यार के दर्द को व्यक्ति किसी के सामने प्रकट नहीं करता, बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अंदर ही अंदर से सहन करता है। जिस प्रेम को व्यक्ति सब कुछ खोकर प्राप्त करता है, उसके वियोग का दुख वह उसे उसके लिए बड़ा असहनीय हो जाता है। और व्यक्ति जब दुविधा में फंस जाता है, तो जयशंकर प्रसाद का भी है आत्मकथ्य में, दुविधा हत साहस है दिखता पंथ नहीं। जब दुविधा में व्यक्ति पड़ जाता है तो उसका साहस क्या है, समाप्त हो जाता है। जहाँ एक ओर प्रियतम की यादें भुला नहीं पाता, दूसरी ओर उन यादों की लोकलाज के भय के कारण किसी के सामने वह प्रकट भी नहीं कर सकता, तो समाज तो प्रेम करने वालों को सदा से ही दुश्मन के रूप में देखता आया है। तो वियोग के इस दर्द को छिपाना, ऊपर से रोने की मनाही प्रेम के दुख को और अत्यधिक बढ़ा देती है। तो इसीलिए शायर कहता है कि सबके छिपा के दर्द के मारे मैं अपने प्रेमी के वियोग में जो दर्द के मारे रो रहा हूँ, चुपके चुपके ही मुझे रोना पड़ रहा है, मैं किसी को दिखा नहीं सकता हूँ। यहाँ पर शायर ने प्रेमी के दुख और दुविधा का सुंदर चित्रण किया है। पूरी गजल में गेयता का गुण भी विद्यमान है। चुपके चुपके में, यहाँ पर जो शब्द आए हैं चुपके चुपके में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत कहते हैं जो हमारी आदत होती है। तवाजुन कहा गया है एक समानता, एक संतुलन बनाना। आलमे, आलम कहते हैं संसार के लिए। हुस्नो इश्क, हुस्न अर्थात सुंदरता, इश्क अर्थात प्यार। तो इन पंक्तियों में शायर ने हुस्न और इश्क के संतुलन के नियम
को बताने का प्रयास किया है कि इस संसार में सुंदरता और प्रेम के संतुलन की यह बात रही है कि प्रेमी अपने प्रेम में जितना अधिक डूब जाता है उतनी ही अधिक मात्रा में प्रेम को वह प्राप्त कर सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेमी सांसारिक बंधनों को छोड़कर जितना भी इनसे दूर होता चला जाएगा वह उतना ही अपने प्रेम को पाने का अधिकारी प्राप्त होता है। प्रेम की चरम सीमा पर जाकर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और उसे केवल अपने प्रेमी की सत्ता का ही आभास शेष रहता है। त्याग ही प्रेम का दूसरा नाम है। यहाँ पर सौंदर्य और प्रेम के सनातन संबंध पर शायर के द्वारा प्रकाश डाला गया है और हिंदी की अपेक्षा उर्दू शब्दों की अधिकता प्रेम के प्रभाव को बढ़ाने में सफल हुई है। आगे, आबो ताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबोताब एक शायरी है। असरार कहते हैं जो वास्तविकता से दूर होता है, चमक धमक जिसे कहा जा सकता है। यहाँ पर शायर पाठक को कहते हैं कि आपको शायरी की बाहरी चमक दमक नहीं देखनी चाहिए, बल्कि शायरी की असली सुंदरता उसके अर्थ में निहित होती है। शायर पाठक से यह आशा रखता है कि इस विषय में उसकी सूझबूझ का परिचय देते हुए शायर की बाहरी चमक दमक से बचे रहेंगे। पाठक शायरों की चमक से प्रभावित हुए बिना उसके उत्पन्न रस रूपी मोतियों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसके अंदर जो भाव छिपा हुआ है, जो अर्थ छिपा हुआ है, उसकी सुंदरता का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंखें रखना और मोती रोलना जैसे दो शब्द आए हैं, इनमें मुहावरों का प्रयोग शायर के द्वारा किया गया है। उर्दू शब्दावली की प्रधानता है। आगे, ऐसे में तू याद पे आए हैं अंजमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते वावे गुनह जग खोले हैं। यहाँ पर सारे शब्द, क्योंकि जब तक उर्दू के अल्फाज नहीं आएंगे शेर व शायरी में सुंदरता नहीं आएगी। तो अंजुमने मैं कहा गया है जो शराबियों की सभा होती है, महफिल होती है। रिंद कहा गया है शराबियों के लिए। गर्दू कहा गया है आसमान के लिए, और फरिश्ता कहा गया है देवदूत जिसे कहा जाता है, और बाबे गुनाह अर्थात जो हमारे द्वारा जो है जो अन्याय या दुराचार जो किया जाता है। तो यहाँ पर शायर ने जो है शराब में डूबे प्रेमी को आकाश के देवता के समान बताया है। अपने प्रियतम से बिछड़ने के दर्द को प्रेमी अक्सर शराब के नशे में डूबोकर उसकी यादों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शराब की महफिल में बैठे एक शराबी को उसके प्रियतम से वार्तालाप और उसके कार्य याद आते हैं जिन्हें वह भूलना चाहता है लेकिन भूल नहीं पाता है। वियोग में व्यक्ति अकेला हो जाता है और महफिल में बैठा प्रेमी अपने प्रियतम की बीती यादों का स्मरण करके उनका इस प्रकार अध्ययन करता है कि जैसे रात के समय आकाश में बैठे देवदूत संसार के पापों का अध्ययन कर रहे हों। सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति वियोग में ही दिखाई देती है। वियोग में प्रेमी और प्रियतम की भावनाओं का एकाकार करके देवता से भी ऊंचे पद का अधिकारी बना देते हैं। यहाँ पर शायर ने श्रृंगार रस का जो वियोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। गर्दू पे फरिश्ते से तात्पर्य इस्लाम धर्म को भी मान्यता दी है। उर्दू शब्दों की प्रधानता है। शराबी को देवता कहने में उपमा अलंकार का भी आभास होता है। आगे, सदके फिराग एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदक कहा जाता है किसी भी चीज को दे देना। अजाजे सुखन जो उम्दा किस्म की शायरी होती है,
और फिराक जो है एक शायर, जिस जो शायर का नाम है, यहाँ पर उर्दू शायरी की एक परंपरा है कि जब शेरो शायरी के अंतिम चरण पहुँचता है तो वहाँ पर शायर अपने नाम का भी समायोजन करते हैं उसमें। तो यहाँ पर भी सदके फिराग एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। फिराक गोरखपुरी ने इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पाठक से कहते हैं कि उर्दू के प्रमुख शायर मीर और गालिब की गजलों में संवाद शैली और लाक्षणिक प्रयोग प्रमुख रहे हैं। गोरखपुरी ने भी आमजन की बात को इसी शैली में आगे बढ़ाकर अपनी गजलों में शायरों जैसा दर्द पैदा किया है, और यही कारण है कि शायर को बेहतरीन मानते हुए मीर की गजलों जैसा बताते हैं। अपनी गजलों में उन्हें मीर की गजलों की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी की शायरी वास्तव में मीर और गालिब से समानता की सामर्थ्य रखती है। उर्दू में शब्दों की प्रमुखता है, पूरी गजल में गेयता का गुण भी विद्यमान है। रचना में अपना नाम जोड़ना हिंदी साहित्य के लिए एक नया प्रयोग है। भाषा सरल, सहज और सरसमयी है। इसका शेरो शायरी का आनंद आपने लिया होगा और आपको अच्छी तरह यह समझ में आई होगी।